हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो फॉर यू। सो बोट रॉकर्स 450 वर्सेस बोल्ट ऑडियो थंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों हेडफोन 12 पेयरिंग हेडफोन है, जहाँ पे आप ब्लूटूथ के अलावा भी ऑक्स केबल के जरिए इन दोनों हेडफोन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बोट रॉकर्स 450 एक ऑन ईयर हेडफोन है और बोल्ट ऑडियो थंडर एक ओवर ईयर हेडफोन है, इसलिए बोल्ट ऑडियो थंडर के ड्राइवर बोट रॉकर्स 450 से साइज में बड़ा है। प्राइस को कंपेयर करेंगे तो बोल्ट ऑडियो थंडर का प्राइस है 1300 रुपये और बोट रॉकर्स 450 का प्राइस है करीब 1500 रुपये, लेकिन दोनों हेडफोन को ही आप ऑफर में 999 रुपये में पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप इसके प्राइस को चेक कर सकते हैं। मटेरियल दोनों हेडफोन का ही प्लास्टिक का दिए गए हैं, लेकिन बोल्ट थंडर में ग्लॉसी फिनिश और बोट रॉकर्स 450 में मैट फिनिश दिए गए हैं। दोनों हेडफोन का ही ईयर कप्स बहुत ही सॉफ्ट है, तो आप जितना टाइम चाहे दोनों हेडफोन को यूज कर सकते हैं और आपके ईयर पे कोई पेन भी नहीं होगा। हेडबैंड में ज्यादा कंफर्ट बोट 450 से मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें थिक फोम कोटिंग दिए गए हैं बोल्ट ऑडियो थंडर के मुकाबले। सो मटेरियल में बोट 450 थंडर से बेहतर है। फंक्शनल बटन्स दोनों हेडफोन में ही सेम है, पावर बटन से प्ले पॉज कॉल रिसीव रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गूगल असिस्टेंट के लिए कोई डेडिकेटेड बटन अवेलेबल नहीं है दोनों हेडफोन में ही। माइक्रोफोन के जरिए आप कमेंट कर सकते हैं और गूगल असिस्टेंट फीचर को यूज कर सकते हैं। हैंड्स फ्री कॉलिंग फीचर बोल्ट थंडर के मुकाबले बोट 450 में बढ़िया है। बोट 450 का माइक्रोफोन रिस्पॉन्स 2 सेकेंड है एंड कॉल क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन बोल्ट थंडर में कॉल क्वालिटी पुअर है। ओवरऑल माइक्रोफोन रिस्पॉन्स भी उतना बढ़िया नहीं है बोट रॉकर्स 450 के मुकाबले। बोट 450 में ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिए गए हैं, लेकिन बोल्ट थंडर में कोई मैनुअल नहीं दिए गए हैं एंड ब्लूटूथ वर्जन भी मेंशन नहीं किए गए हैं, जो एक खराब इम्प्रेशन है। लेकिन दोनों हेडफोन में ही ब्लूटूथ स्ट्रांग है, अप्रॉक्स 10 मीटर कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा। और गेमिंग के लिए बेस्ट बोट 450 ही है। वायरलेसली बोट में 1 सेकेंड डिले एंड थंडर में 2 सेकेंड डिले मिलता है, लेकिन बोट 450 अगर ऑक्स केबल के जरिए यूज़ करेंगे तो कोई डिले नहीं रहता है। बोल्ट थंब के साथ जो ऑक्स केबल प्रोवाइड किए गए हैं उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, सो आप अगर कोई दूसरा ऑक्स केबल यूज़ करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। दोनों हेडफोन ही फुल चार्ज होता है करीब 2 से 2.5 घंटे में। बोट रॉकर्स में 100% वॉल्यूम में प्लेबैक मिलता है करीब 5 से 6 घंटे और 70% वॉल्यूम में करीब 7 घंटे। बोल्ट थंडर में 70% वॉल्यूम में 6 घंटे और 50% वॉल्यूम में 8 घंटे तक प्लेबैक मिल जाता है। सो ओवरऑल प्लेबैक प्राइस के हिसाब से दोनों में ही बढ़िया है। दोनों हेडफोन में ही माइक्रो USB स्लॉट दिए गए हैं चार्जिंग के लिए एंड दोनों हेडफोन ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। साउंड क्वालिटी में दोनों हेडफोन में फर्क जरूर है। बोल्ट ऑडियो थंडर जहां पे एक डीप बेस फीचर्ड हेडफोन है, वहां पे बोट 450 एक एक्स्ट्रा बेस फीचर्ड हेडफोन है। बोल्ट थंडर में ट्रिबल एंड बेस कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, साउंड लाउड होने के साथ साथ क्लियर भी है, ईयर पे आप एक्स्ट्रा थंप भी महसूस कर सकते हैं। बोट 450 एक एक्स्ट्रा बेस हेडफोन है, सो इस हेडफोन में बेस के ऊपर ज्यादा फोकस किए गए हैं। एक्स्ट्रा पंची बेस इस हेडफोन का एक खासियत है। ऑडियो क्वालिटी क्लियर एंड प्रीमियम भी है, सो अगर आप बैलेंस साउंड परफेक्ट चाहते हैं एंड साथ में बेस भी परफेक्ट चाहते हैं एंड स्पेशली आप अगर सिर्फ म्यूजिक के लिए एक हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए बोल्ट ऑडियो थंडर। और अगर आप बेस लवर है, रिच बेस के साथ प्रीमियम क्वालिटी साउंड एंड उसके साथ गेमिंग के लिए या वॉइस कॉलिंग के लिए कोई अच्छा हेडफोन लेना चाहते हैं तो खरीदिए बोट रॉकर्स 450। सो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहां से इन दोनों हेडफोन में से कोई भी एक हेडफोन को खरीद सकते हैं और इस चैनल को हेल्प कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।